हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे वशिष्ठासु लिपि हिंदी, और जैसे कि आप देख रहे हो आज का टाइटल है संख्या और मुद्रा, दोनों एक ही होते हैं। और मैं ये बता दूँ, आपका कोर्स 97% कंप्लीट ही हो गया है। इसके बाद कुछ वीडियो तो आएगी, 10-12 आई थिंक, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। पर उसमें जैसे कि संक्षिप्त अक्षर हो गए, शब्द चिन्ह हो गए, है ना, और वाक्यांश, और जैसे दिन महीने, ऐसी वीडियो आएगी। तो आप डिक्टेशन पर जोर दो, अब डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मैं देखूंगा बीच में आपको लिए डिक्टेशन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम संख्या आ जाए, तो हम संख्या को कैसे लिखेंगे, तो आज इस बारे में समझते हैं। तो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप एक बात तो ये मान के चलो, जैसे संख्या आती है तो संख्या को हम शॉर्ट हैंड में नहीं लिखेंगे, एक से लेके 9 या 10 तक, जैसे भी है। संख्या है जैसे कि 5 है, तो 500 रुपया, तो हम 5 को 80 ऐसा का ऐसा बना देंगे। ठीक है, जिसको हमको शॉर्ट हैंड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि इसको लिखना ही है शॉर्ट हैंड में, तो आपको शॉर्ट हैंड आती है, बेसिक रूल है, पै और चै और बना लो। ठीक है, तो अब फिर हम सौ, हम तो छ है, तो छ को हम 100 के लिए यूज करेंगे, जैसे कि 500, तो ये हमने छ का यूज किया। रुपया है ना, तो हम पै को यूज करेंगे, और या है, एक तो होता है रुपया और एक होते हैं रुपये, तो रुपया में हम इसी यह के हुक्का यूज करेंगे पै के साथ, और रुपये में हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब फिर आपको अब रीड करना, जैसे कि 800 रुपये, तो रुपये बोले तो ये 8 और ये 100, 1300, तो ये है रुपये। जैसे कि पाँच ये, और इसको हम पूरा बनाएंगे फिर रुपये, क्योंकि इसमें 100 नहीं है ना, तो और फिर 8 रुपये, 10 रुपये। हाँ, अगर 500 रुपये है ते तो हम ऐसे लिखते। ठीक है, 500 रुपये। ठीक है, ये यहाँ मैं ये ही बना रहा था, पर मैंने देखा कि इसमें रुपये ये है और 100 के साथ जुड़ जाएगा जब इस तरीके से है। तो अब इसके बाद हम नए को यूज करेंगे गुना, गुणन के लिए, है ना, गुना, जैसे 400 गुना 10 गुना 6 गुना। तो यहाँ पर हम जैसे कि इसको तो हमको जो है संख्या, इनको तो ऐसे लिखना है, और 400 के लिए हमने बताया था, और गुना के लिए ये 10 गुना 6 गुना। और फिर इसमें आ जाते हैं गुना के बाद आते, जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, तो इनकी हम आउटलाइन कैसे रखेंगे, दुगुना तिगुना और चौगुना, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये गैर आएगा, क्योंकि तय और दै की आउटलाइन तो एक ही रहेगी, और ये भी सेकंड, ये भी थर्ड का, ये भी थर्ड का है ना, तो और कहे तो इसको और लाइट बनाकर ऐसे। तो इसके बाद हम है को यूज करेंगे,
हजार के लिए, तो जैसे कि 10,000, 5,000, तो ये दो हजार रुपये ऐड है, लिख रखा है, तो ये ऐड कर देंगे हम इसमें, ऐड कर देंगे। वैसे ही अगर इसमें यहाँ तक है तो ये ऐसे बना रख के, तो इतना ही है ऐड करना, रुपये है तो इसके साथ लाइन खींच, तो हर एक में ऐसा ही है। जैसे कि 9 लाख, अगर मान के चलो अब जैसे कि ये है 15 लाख का रुपया, तो ये अगर रुपये तो ये ओनली पे। इसके बाद है जैसे कि करोड़, कर के लिए, कर हम करोड़ के यू लिए यूज करेंगे, जैसे कि 10 करोड़ रुपया, 12 करोड़ अगर रुपये तो ये, अगर ओनली करोड़ तो ये, ठीक है। वैसे ही अरब, अब ये थोड़ी रुपये की बात ही चलेगी, अरब जैसे 3 अरब लोग, तो हम 3 तो ये बना लिया, अरब के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले रह का, और लोग पूरे बना देते हैं 3 अरब लोग। फिर वैसे ही है 7 अरब रुपया, रुपये के लिए ये, रुपया के लिए ये। वैसे ही है फिर हम कै को अधिक के लिए यूज करेंगे, जैसे कि 5 से अधिक। फिर है जैसे कि 2 से अधिक, 100 से अधिक, 4,000 से अधिक, तो 4,000 से अधिक। अब यहाँ पर है जैसे कि आपको गलती हो जाती है, उसको छोड़ के चलो, ठीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब है 100 से अधिक, तो अब एक तरीका तो ये है 100 से अधिक, ठीक है, या फिर ये है एक बना दिया, और ये 100, ये 100 यहाँ लगा दो, अगर आपको रीड नहीं हो रहा था, 100 से अधिक। फिर है जैसे कि 1 से अधिक, 1 से अधिक और 1 से 1, दोनों की सेम आउट रन रहेगी, वक्त के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप यहाँ पर सर्वर दे दो एक, अगर अलग करना है तो फिर आप यहाँ भी दे देना, ठीक है। ये थी संख्या, तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, और मैंने पहले भी बताया ये है। और जैसे कि कोई सन आ जाता है, 2020 है, ये मैं बता चुका, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो, जल्दी जल्दी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आपकी मर्जी है। और जो पूरी संख्या होती है उसको आप ऐसे के ऐसे यूज कर लो, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, तो उसको आप शॉर्ट हैंड में लिखने की बजाय आप ऐसे के ऐसे लिखोगे तो आपको इजी रहेगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब ये थी संख्या और मुद्रा की वीडियो, तो मिलेंगे, इसके बाद आएगी संक्षिप्त वशिष्ठ संक्षिप्त अक्षरों की वीडियो आया करेगी, तो उसकी एक देखते हैं, प्लेलिस्ट चली रही है, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या आएगा, तो हम वो आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो तब तक के लिए बाय बाय।